Hey guys, मेरा नाम है अब्दुल राशिद और आप देख रहे हैं द इंडियन बजट गेमर। आज के इस वीडियो में दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं टैग ब्लूटूथ स्पीकर के बारे में। सबसे पहले दोस्तों मैं थैंक्स कहना चाहूंगा टैग ब्रांड का जिन्होंने दोस्तों मुझे ये रिव्यू यूनिट दिया। आज के इस वीडियो में दोस्तों हम लोग इसका डिटेल में रिव्यू करेंगे और आपको बताएंगे क्या ये आपको खरीदना चाहिए। सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं अनबॉक्सिंग की। दोस्तों ये एक रिव्यू यूनिट है। मेरे पास दोस्तों जो बॉक्स आया था वो बिल्कुल प्लेन था, इसमें किसी भी तरीके की ब्रांडिंग नहीं थी, किसी भी तरीके का मैनुअल नहीं था, केवल प्लेन बॉक्स था। बॉक्स को ओपन करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको दो केबल्स मिल जाती हैं और आपका ब्लूटूथ स्पीकर। यहाँ पर दोस्तों एक ऑक्सिलरी केबल है और दूसरी चार्जिंग केबल। नाउ बात कर लेते हैं स्पीकर के बारे में। यहाँ पर दोस्तों जो आपको मिलता है स्पीकर वो बहुत ही कॉम्पैक्ट है और पोर्टेबल है। मतलब कि अगर आप थोड़ा बहुत ट्रैवल करते हैं या इधर से उधर आपको जाना रहता है और आप म्यूजिक के थोड़ा बहुत शौकीन हैं तो ये स्पीकर आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट ऑप्शन हो सकता है। मटेरियल की दोस्तों बात करें, यहाँ पर जो आपको बॉडी मिलती है वो बिल्कुल मैट फिनिश की बॉडी है और फ्रंट साइड पर जो ग्रिल मिलता है वो प्लास्टिक का है। हालांकि आपको मेटल वाला फील देता है लेकिन ये एक्चुअली में ये प्लास्टिक है। ऊपर साइड पर दोस्तों आपको बहुत सारे बटन मिल जाते हैं। यहाँ पर आपको FM का बटन मिल जाता है, प्ले पॉज ऑन ऑफ और कॉल का बटन मिल जाता है। उसके ऊपर दोस्तों आपको तीन LED मिल जाती है। LED हालांकि बहुत छोटी है, कैमरे में कैप्चर करना थोड़ा मुश्किल हो रहा था। वही अगर बैक साइड की दोस्तों बात करें यहाँ पर आपको काफी सारे पोर्ट मिल जाते हैं, जैसे कि ऑक्सिलरी पोर्ट, SD कार्ड वाला स्लॉट मिल जाता है, चार्जिंग स्लॉट मिल जाता है, यहाँ पर USB-A स्लॉट मिल जाता है। मतलब कि अगर आपके पास USB है और उसमें गाने पड़े हुए हैं तो भी दोस्तों आप यहाँ पर से प्ले कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इसके इंटरनल कॉन्फ़िगरेशन की। यहाँ पर दोस्तों आपको दो स्पीकर मिलते हैं और एक सब वूफर मिल जाता है जो कि थोड़ा बहुत बेसी है। बैटरी की दोस्तों बात करें, यहाँ पर बैटरी के लिए खास कुछ मेंशन नहीं करा गया कितने mAh की है, लेकिन हमारे टेस्टिंग के दौरान मेरा ऐसा मानना है कि इसमें 2600 mAh की बैटरी है जो कि 2 से 3 घंटे के अंदर चार्ज हो जाती है। और वही अगर आप ब्लूटूथ को 50-80% वॉल्यूम पर चलाते हैं तो आप इजीली 5 घंटा चला सकते हैं। हालांकि दोस्तों कंपनी ऐसा क्लेम करती है कि आप 5 से 8 घंटे के बीच चला सकते हैं, लेकिन अगर आप फुल वॉल्यूम पर चलाएंगे तो शायद ही आप 4 घंटे का मार्क क्रॉस कर पाए। नाउ अब बात कर लेते हैं यहाँ पर साउंड क्वालिटी के बारे में, जिसके वजह से आप ये वीडियो देख रहे हैं। पहली चीज दोस्तों ये बहुत ज्यादा लाउड है। मतलब कि अगर आप अपने कमरे में इसे फुल वॉल्यूम पर चलाते हैं और सामने बैठा वाला बंदा आपसे चिल्ला कर भी अगर कुछ कहता है तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आने वाला। तो घर पर दोस्तों फुल वॉल्यूम पर इसे बिल्कुल भी ना चलाएं। और दूसरी चीज बात करें अगर बेस और लोस की, तो हालांकि बेस दोस्तों इसमें थोड़ा कम है लेकिन जिस प्राइस पर ये आता है वो एक्सेप्टेबल है। 80% वॉल्यूम से ज्यादा आगे बढ़ाने पर दोस्तों यहाँ पर जो इसका साउंड है वो काफी ज्यादा डिस्टॉर्शन होने लगता है आपके लो और बेस को और बिल्कुल साउंड क्वालिटी बर्बाद कर देता है। तो 80% दोस्तों एक बहुत ही अच्छा स्पॉट है जहाँ पर आपको काफी अच्छा बेस मिल जाता है और लोस भी जो होते हैं वो काफी अच्छा आपको समझ में आने लगते हैं। नाउ आपको लाइव डेमो दिखा देते हैं कि ये स्पीकर साउंड कैसे करता है रियल लाइफ में। नाउ बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट चीज के बारे में, क्या आप ये ब्लूटूथ स्पीकर गेमिंग के लिए यूज कर सकते हैं। पहले मैं एक चीज बता दूं कि अगर आप वायरलेस मीडियम यूज करते हैं जैसे कि ब्लूटूथ का यूज करते हैं तो आपको साउंड में थोड़ा सा डिले देखने को मिलेगा, क्योंकि दोस्तों ब्लूटूथ से एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में डेटा ट्रांसफर होने में टाइम लगता है, जिस वजह से आपको थोड़ा बहुत वॉइस में डिले देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पर दोस्तों आपके लिए दूसरा ऑप्शन है ऑक्सिलरी केबल। ऑक्सिलरी केबल का दोस्तों आप यूज करके वॉइस डिले वाली प्रॉब्लम खत्म कर सकते हैं। मेजॉरिटी जो गेमर्स है वो हमेशा हेडसेट ही यूज करते हैं, क्योंकि आपको गेमिंग के टाइम अगर आप FPS वाला गेम खेल रहे हैं तो वहां पर आपको दूसरे गेमर्स का मूवमेंट तक भी सुनाई देना चाहिए, जो कि काफी बार ऐसा होता है जो टेबल वाले स्पीकर होते हैं या ब्लूटूथ स्पीकर होते हैं वो मिस कर जाते हैं। अगर आप कॉम्पिटिटिव गेमिंग करना चाहते हैं तो मैं ये ब्लूटूथ स्पीकर आपको रिकमेंड नहीं करूंगा। बाकी अगर बात आती है मल्टीमीडिया कंजम्पशन की, गाने सुनने की या कैजुअल गेमिंग की,
तो दोस्तों ये स्पीकर आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। नाउ बात कर लेते हैं इसके प्राइस के बारे में। प्राइस दोस्तों मैं आपको बता दूं, यहाँ पर जो प्राइस रखा है टैग ब्रांड ने वो काफी ज्यादा कॉम्पिटेटिव है। ये स्पीकर दोस्तों आपको मिल जाता है 1380 रुपए का, लेकिन आप मेरे सब्सक्राइबर हैं तो वहां पर आपको 250 रुपए का फ्लैट डिस्काउंट दिया गया है अगर आप कूपन कोड यूज करते हैं flat250। लेकिन दोस्तों इस कूपन की वैलिडिटी केवल 7 दिन तक का है। अगर आप ये स्पीकर खरीदना चाहते हैं तो 7 दिन से पहले ही खरीद लें, क्योंकि यहाँ पर आपको स्पेशल डिस्काउंट मिल रहा है। वेल, अगर आपको ये रिव्यू अच्छा लगा हो तो पहले जल्दी से लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे इस चैनल को, क्योंकि हम लोग लाते रहते हैं ऐसे डेली ऑसम कंटेंट। तो अंत तक देखने के लिए थैंक यू।